नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे हिंदुस्तान बनाम न्यूजीलैंड सेमीफाइनल मुकाबले की, और इस मुकाबले पर जितनी बारीक नजर हिंदुस्तान के तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने बनाकर रखी हुई है, उतनी ही पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने और बहुत दूर दूर बैठे तमाम क्रिकेटर्स ने इस सेमीफाइनल मैच को लेकर अपनी अपनी राय बनाकर रखी हुई है। आज इसी राय से आपको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ यूएस में रह रहे हैं इस समय दानिश कनेरिया मौजूद है, जो हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं और उनके कमेंट्स और उनके जो बेबाक टिप्पणियां हैं किसी भी टीम को लेकर, किसी भी खिलाड़ी को लेकर, उस पर तमाम लोगों का अट्रैक्शन रहता है, तमाम लोग उससे आकर्षित रहते हैं। दानिश भाई इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश भाई बहुत बहुत स्वागत है और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं सबसे पहले आपको और आपके परिवार को, और हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि रोशनी जितनी आप सब हिंदुस्तान में देख रहे हैं उतनी ही रोशनी आपकी जीवन में आए और आपका जो आने वाला समय है उतनी ही रोशनी से भरा रहे। थैंक यू सो मच राजीव जी। नमस्कार, सलाम, जय श्री राम सभी को, और मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आपको और सभी हमें देखने वालों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, ऐसी मेरी प्रार्थना और उम्मीद है। अब दानिश भाई, दिवाली के दिन तो आपने भी देखा कि बेंगलुरु में कितने बम फूटे, 410 रन बना दिए नेदरलैंड्स के खिलाफ हिंदुस्तान ने, 9 लगातार जीत हासिल कर ली। कितना चैलेंज न्यूजीलैंड रखते हुए दिख रही है आपको 15 तारीख को जो मुकाबला है, क्योंकि आप बहुत बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ हम आईसीसी नॉकआउट मैचेस में 3 मुकाबले हार चुके हैं, वो चाहे 2019 की बात कर लें, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात कर लें या चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लें। ऐसे में थोड़ा डर आपके जहन में है कि हिंदुस्तान क्या न्यूजीलैंड से पार पा पाएगा, ये एक बड़ा सवाल। और दूसरा बड़ा सवाल, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ एक अच्छी बात ये थी हमने कि 20 साल के बाद हमने उनको हराया लीग मैचेस में, वर्ल्ड कप के मैचेस में, 2003 में आखिरी बार हम उससे जीते थे। तो क्या कुछ संभावनाएं आपको लग रही है सेमीफाइनल मैच को लेकर? देखिए राजीव जी, जैसे वर्ल्ड कप शुरू हुआ, वर्ल्ड कप से पहले इंडिया की टीम उस तरह से नहीं खेल रही थी जिस तरह वर्ल्ड कप में आते के साथ उन्होंने प्रदर्शन दिखाया। They were having a problem in the upper order, middle order collapse कर रहा था, bowling उस तरह से नहीं चल रही थी। लेकिन as soon as they come into the World Cup, इंडिया ने आके अपना प्रदर्शन दिखाया बैटिंग के अंदर, ऊपर से रोहित ने अपना नेचुरल गेम जो उन थोड़ा मिस कर रहे थे, लैक कर रहे थे, वो लेके आ गए और उसने आके ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी। न्यूजीलैंडर्स के बॉलर्स को लीग गेम के अंदर, जहाँ वो सीम और स्विंग के माहिर है, उनको निकल निकल के उसने धो दिया और उनकी सीम और स्विंग का सत्यानाश किया। उसके बाद फिर रिमेनिंग बैट्समैन ने आके काम किया। न्यूजीलैंड की टीम, नो डाउट दे आर अ वेरी गुड टीम, दे हैव गॉट अगेन केन विलियमसन, बड़ा एक्सपीरियंस है, वो आ गया है दोबारा, आते के साथ 95 किया था, इज अ फैंटास्टिक क्रिकेटर, वन फैंटास्टिक कैप्टन एज वेल। इंडिया की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो राजू जी, इनको एक अच्छी जेल यूनाइट टीम बन गई है, जहां पर इनकी बैटिंग टॉप ऑर्डर से लेके मिडल ऑर्डर तक, जहां फिनिशर जद्दू आके काम कर जाते हैं। फिर दूसरी टीमें ये सोचने पर वो हो गई है, परेशान हो गई कि भाई पहले जसप्रीत बुमराह को झेलो, फिर सिराज को झेलो, फिर आ जाते हैं मोहम्मद शमी, उसको झेलो, और फिर वो तो खत्म हुआ है। उसके बाद फिर कुलदीप यादव जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं और रविंद्र जडेजा, इट्स नॉट बीन इजी फॉर द अदर टीम्स टू फेस दिस टाइप ऑफ बॉलिंग अटैक द वे इंडियन बॉलर्स हैव कम अप टू दिस वर्ल्ड कप। आई थिंक ये सब ये इंडियन टीम के लिए एक ड्रीम वर्ल्ड कप है, जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखा रही है, कंसिस्टेंट विक्ट्री हासिल करी है। लेकिन अभी इसमें थोड़ा ये भी एक चीज है कि इंडिया जब MS धोनी ने वर्ल्ड कप उठाया था, उसके बाद से नॉकआउट स्टेज में इंडिया नॉट प्लेइंग गुड क्रिकेट, नॉकआउट स्टेज पे उनको प्रेशर आ जाता है, दैट्स वी हैव सीन, दैट्स द रियलिटी। और रियलिटी कहती है कि नाउ इंडिया इज प्लेइंग नॉकआउट गेम इन इंडिया। इन इंडिया के अंदर जो सिचुएशन बनती है, जो सपोर्ट हासिल होगी, आई थिंक उससे वो ओवरकम हो जाएंगे और इंडिया डेफिनेटली विल बीट अगेन न्यूजीलैंडर्स, क्योंकि नो डाउट न्यूजीलैंडर के पास टीम है, अच्छी है, लेकिन इंडिया जिस तरह से खेल रही है, इट्स अमेजिंग। लेकिन दानिश भाई, क्योंकि नॉकआउट मैचेस आपने जिक्र किया, 3 वर्ल्ड कप खेले गए हैं हिंदुस्तान की अगर बात करें, 87 में हम नॉकआउट हार गए सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ, जब बहुत ज्यादा स्वीप शॉट खेले गए और मनिंदर सिंह और रवि शास्त्री के अगेंस्ट वो स्वीप शॉट इतने बुरी तरह अप्लाई किए गए कि हमारे पास कोई जवाब नहीं था। 96 में हम श्रीलंका से हार गए सेमीफाइनल, कोलकाता वो मैदान था। 2011 में हम जरूर सेमीफाइनल जीते और पाकिस्तान को हमने हराया मोहाली के मैदान पे। अब 2023 की बात अगर हम करें, क्या कुछ सर्कमस्टेंसेस आप देख रहे हैं मुंबई के मैदान को देखते हुए, क्योंकि मुंबई में हम 2 सेमीफाइनल नॉकआउट के ऑलरेडी हार चुके हैं, 87 में, और 2016 अगर आप याद करें तो आपको भी याद होगा ब्रैथवेट ने बहुत बड़े बड़े छक्के लगाए
और वेस्ट इंडीज ने हमें T20 में सेमीफाइनल में हरा दिया था। क्या ये साइकोलॉजिकल होता है कुछ कि आप सोचते हैं नॉकआउट में जा रहे हैं? या रोहित शर्मा कहते हैं, रोहित शर्मा का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है दानिश भाई, मैं आपको ही बताना चाहूंगा कि हर मैच हर इनिंग जीरो से शुरू करते हैं आप, तो वो जीरो से हीरो बनने तक की जो एक सफर होता है वो सफर कितना मुश्किल लग रहा है इस समय हिंदुस्तान के लिए, या न्यूजीलैंड के लिए ज्यादा मुश्किल लग रहा है? देखिए, नो डाउट दोनों टीमें जिस तरह उसने बात करी, रोहित ने बात की, बिल्कुल सही बात की है। वी शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ जीरो, हर मैच जीरो से स्टार्ट करते हैं। वैंकर डेकर स्टेडियम है, मुंबई इंडियन के कप्तान रोहित शर्मा का मैदान है, रोहित शर्मा इस ग्राउंड पे बहुत रन करते हुए नजर आते हैं। रोहित शर्मा विल डेफिनेटली वॉन्ट, प्रेशर होगा, ऐसा नहीं है आप 100 टेस्ट भी खेल लो ना बॉस, आकर 200 टेस्ट भी खेल लो, जितनी भी आप क्रिकेट खेल लो, प्रेशर तो होता ही है, बबल्स तो होता ही है। सेमीफाइनल का मैदान है, यू लूज यू आउट ऑफ द टूर्नामेंट। पूरी पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया, वन डे इसमें यही होता है कि एक दिन आपका क्लिक नहीं होता है और वो अचानक से गोज इन टू लॉस्ट। न्यूजीलैंड का भी यही है कि यार लास्ट टाइम हम वर्ल्ड कप के फाइनल में आए थे, वी वर ऑलमोस्ट देयर टू विन द वर्ल्ड कप, ऑलमोस्ट वो जीत चुकी थी, जो भी हुआ इंग्लैंड जीत गई। लेकिन न्यूजीलैंड के साथ भी वही परिस्थिति है, वो इंडिया के साथ भी है, जैसे आपने बात की पिछली दफा हार चुके, दोनों टीम एक अच्छे माइंडसेट के साथ ग्राउंड में उतरेगी। एंड सी, दोनों यहाँ पर तो लोगों के सेंटीमेंट्स होते जुड़े हुए, आई टोटली एग्री विद द सेंटीमेंट्स, लोग कुछ भी रिजल्ट आ जाए लोगों ने तो बातें करनी है, लोग तो हमेशा बातें करेंगे अच्छा बुरा, लेकिन जब अगर हार जाएगी तो फिर और ज्यादा बातें करेंगे। लेकिन यहाँ पर लोगों को सोचना है, देखिए ऑन द गिवन डे इफ यू हैव अ बैड डे एट द ऑफिस यू कैन नॉट डू एनीथिंग मोर। एक दिन खराब चले गया, मैच आउट हो गया, टूर्नामेंट से बाहर हो गए, वो सोचना पड़ेगा। यही टीम मीटिंग में होता है कि जब टीम मीटिंग में वो कर रहा होता है, बात कर रहा होता है, कोच बात कर रहा होता है, तो वो यही कहता है कि यार यू ऑल बीन गिविंग अ गुड शॉट इन एवरी गेम, दिस इज द गेम, वी हैव बेहतरीन से बेहतरीन क्रिकेट खेलनी है, रिजल्ट आप ऊपर वाले को छोड़ते। देखिए, आप अगर बेहतरीन क्रिकेट खेलेंगे ना तो रिजल्ट भी आपके फेवर में जाएगा। जो आपके लूप होल्स थे उसको आपने अच्छे तरीके से भर दिया पूरे टूर्नामेंट में, अच्छे तरीके से सारी चीज हो गई। अभी ओनली गेम चीज नहीं होती है, देखिए राउंड के मैच में कितना आराम से मार दिया था न्यूजीलैंड को, मारा था ना, लेकिन अभी ये सेमीफाइनल है, दोनों के लिए एक प्रेशर वाला गेम है। और इस प्रेशर के गेम के अंदर मैं रिजल्ट जो भी आया, आई थिंक इंडियन टीम हैव प्लेड एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रिकेट, इंजॉय करवाया उन्होंने पूरी दुनिया को, उन्होंने दुनिया ने उनको देखा है जिस तरह परफॉर्म करते हुए, जिस तरह विराट रोहित, तो मतलब दे आर डूइंग अमेजिंग। और इसमें दो राय नहीं है कि विराट कोहली इसी वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। देखिए वो 50 तो कर रहे हैं, 100 भी कर रहा है, रन्स कर रहा है, और वेंकटेश स्टेडियम में 100 होना, इट विल बी अ बिग जेस्चर। सचिन तेंदुलकर का ग्राउंड जहां उन्होंने अपना गुड बाय किया था क्रिकेट को, और वहां पर ही सचिन तेंदुलकर भी लग गया था, तो स्टैच्यू भी लग गया है सचिन का वहां पे। जी हाँ बिल्कुल, और नो डाउट कि विराट कोहली जिस तरह से बैटिंग कर रहा है उनके लिए ड्रीम वर्ल्ड कप है, जिस तरह की बैटिंग हो रही है, ही वुड लव टू हैव अ सेंचुरी अंडर द बेल्ट। डिपेंड करेगा कि टॉस जीत के क्या करना है, क्या सिचुएशन है, ड्यू फैक्टर कितना है। अगर चेस करना मुंबई में नवंबर के महीने में बहुत मुश्किल हो रहा है, अप्रैल मई में देखते थे आईपीएल में टॉस जीत के आग मुद के लोग पहले गेंदबाजी करते थे और रन चेस बहुत इजी था, बट मे बी वेदर फैक्टर है कि पहले बैटिंग करने के बाद अचानक सडनली सर्कमस्टेंसेस चेंज हो रहे हैं और पहली टीम 300 बना रही है, दूसरी टीम 100 रन बनाना मुश्किल हो रहा है। टॉस कितना वाइटल दानिश भाई आप देख रहे हैं इस मैच में? यही मैं उस पे आ रहा था, टॉस बड़ा वाइटल होगा क्योंकि देखिए मुंबई है, फिर उसके बाद कराची, दोनों साहिली वो रहते हैं, सी साइड के करीब है बहुत ज्यादा, और फिर अभी वेदर चेंज हुआ है, विंटर आ रहा है, बॉल हिलता है, बॉल हवा ठंडी चलती है शाम के टाइम पर, और रात में टाइम के ओस भी गिरती है, तो स्किड भी होता है, गेंद हिलता भी अच्छा खासा, इंडियन बॉलर्स के खिलाड़े भी अच्छा। मेरे ख्याल से टॉस विल बी वेरी वाइटल, इवन केन विलियमसन एंड रोहित शर्मा वुड लव टू विन द टॉस एंड जस्ट हैव अ बैट एंड गेट मैक्सिमम रन्स ऑन द बोर्ड, गेट 400+ 350+ रन्स करने पड़ेंगे उनको। और फिर यहाँ पर डेफिनेटली मिचेल सेंटर हो गया, रचिंद्र रविंद्र जो बहुत जबरदस्त खेल रहा है, टॉप रन स्केटर है, बड़ा जबरदस्त बैटिंग कर रहा है। बॉलिंग के अंदर थोड़ा सा ये है कि जहां पर लेफ्ट आर्म स्पिनर की जहां बात आती है तो वहां पर थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा, और शुरू के अंदर ट्रेंट बोल्ट को लेफ्ट आर्म पेसर है उसको थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। आई थिंक द वे दे आर प्लेइंग, क्योंकि ये सब लोगों ने इनको देखा हुआ है आईपीएल में खेले हुए, अगेंस्ट भी खेले हुए, तो आई थिंक दे हैव अ गुड आइडिया कि व्हाट सॉर्ट ऑफ बॉलिंग दे विल बी डूइंग। और मेरे ख्याल से देखना है कि मैट हेनरी रिकवर हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं, फर्गसन तो आ गए लेकिन मैट हेनरी इनका बड़ा की है क्योंकि वो आके बॉल को
निबल अराउंड करता है और वो कंटेन भी रखता है और विकेट भी निकालता है क्रुशियल टाइम पे. सो ओवर देयर न्यूजीलैंडर्स विल बी थिंकिंग टू कम बैक मैट हेनरी इन द टीम एज वेल. राजीव भाई क्योंकि नेदरलैंड्स का मैच आपने देखा होगा, हम सब दुआ कर रहे थे कि मिडिल ऑर्डर का नंबर आ जाए, मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन रन बना ले. सेटिस्फाई आप जिस तरह की बैटिंग श्रेयस अय्यर ने की, के राहुल ने की, जिस तरह से मैच और टॉप फाइव बैट्समैनों ने 50 रन बनाए, आप यहाँ पे बैट्समैनों पे ज्यादा दाव लगाना चाहेंगे फॉर्म देखते हुए, या जो भारत ने जिस तरह की गेंदबाजी की है इस वर्ल्ड कप में, आप उस पे दाव लगाना चाहेंगे कि ये यूनिट है जो आपको फाइनल तक लेके जाएगी? देखिए मैंने तो पूरी जिंदगी जो क्रिकेट खेली है और सीखी है वो यही है कि बॉलर्स विन यू द गेम. आपके पास टॉप नॉच बॉलर हो, विकेट टेकर बॉलर हो, तो आपको मैच जिताते. देखे आप 100 रन पे भी आउट हो सकते हो, लेकिन एंड ऑफ द डे बॉलर्स ही होंगे जो आपको 100 के अंदर दूसरी टीम को आउट कर सकेंगे. मैं यहाँ पर डेफिनेटली अपना दाव तो बॉलर्स पे लगाऊंगा, जिस तरह से शमी हो गया. वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से आपका फेवरेट बॉलर कौन है और क्यों है? फेवरेट बॉलर क्यों है? जिस तरह से मोहम्मद शमी बॉल कर रहा है, नो डाउट जसप्रीत बुमराह. देखिए फेवरेट की बात यह है कि जिस तरह से बॉलिंग यूनिट एक काम कर रही है, एक ये पार्टनरशिप में बॉलिंग कर रही है, वहां से आके जसप्रीत हिलाता है तो सिराज भी आके एक हेल्दी कॉम्पिटिशन हो गया है. हर एक बंदा चाह रहा है, जो जैसे जैसे वसीम और वकार का होता था कि हेल्दी कॉम्पिटिशन, ये दोनों ही विकटे लेना चाहते थे कि उसने 5 लिया तो मैं भी 5 लूँ, तो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन बन के टीम को फायदा दे रहे हैं. यहाँ पर फेवरेट की बात नहीं, ऑल द बॉलर्स मतलब कि जितने 5 बॉलर हैं दे आर बॉलिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल. और मतलब कि कल नेदरलैंड्स के मैच में तो आपने गोल्डन आर्म वाले बॉलर्स को भी देख लिया, रोहित शर्मा ने भी विकेट ले ली, विराट कोहली ने भी विकेट ले ली, तो वो भी अपना हाथ खोले रखे हुए जब भी जरूरत पड़ जाएगी, लेकिन जरूरत नहीं पड़ी. आपको लग रहा है दानिश भाई सिक्स बॉलिंग ऑप्शन की कमी थी, वो शायद वो चेक करना चाहते थे, रोहित शर्मा और विराट ने भी गेंदबाजी कर ली? मे बी शायद जस्ट टू हैव अ थिंकिंग कोच ने, राहुल ने कहा होगा कि यार मे बी इफ यू गेट समबडी अ पार्टनरशिप हो जाती है तो वी नीड समबडी टू जस्ट रोल आवर आर्म ओवर टू गेट अ ब्रेक थ्रू. ये होता है, ये क्रिकेट में होता है. देखा होगा कि पाकिस्तान टीम में भी अक्सर फास्ट बॉलिंग अच्छी कर रही होती थी पास के अंदर, फिर बीच में आके सलीम मलिक साहब आके 3-4 ओवर निकाल देते थे, एक आध आउट कर देते थे बीच में से, तो यू नेवर नो. और ये सेमीफाइनल्स और फाइनल्स के अंदर यू नेवर नो कि आपको एक डिफरेंट, देखिए एक बैट्समैन एक टीम आती है स्ट्रेटेजी बना के आती है कि यार ये 4 बॉलर ये 5 बॉलर इनको हमने कैसे खेलना है, किसको हमने अटैक करना है, किसको डिफेंस करना है, किसके ऊपर रन बनाने हैं, तो आउट ऑफ द बॉक्स एक नई चीज आ जाती है तो वहां बैट्समैन रेडी नहीं होता उसके लिए कि यार ये क्या बॉलिंग करेगा, इसका पेस कितना आएगा. तो दैट्स हाउ इट वर्क्स. और आपका आजकल तो एनालिस्ट इतना ज्यादा हो गया है, सारी चीजें हो गई कि बैट्समैनों को बैठा बैठा के बॉलर्स की एक एक चीज बताते हैं कि देखो भाई ये ग्रिप से ये गेंद होगा, ये ग्रिप से यहाँ गेंद आएगा, ये लेंथ के ऊपर इतना बॉल आ रहा है, ये पेस पर इतना आ रहा है. तो आई थिंक पहले जमाने में तो ये सब चीजें नहीं होती थी, आके बेचारे नेट करते थे, जितना हो सकता था उतना करते थे, फिर भी रन करते थे. लेकिन अभी तो टेक्नोलॉजी इतनी वो हो गई है, हाई हो गई है कि सबको एक एक चीज का पता चल गया कि कितना स्पिन होगा कितना नहीं स्पिन होगा. जैसे जडेजा है, जडेजा का हाथ अगर जरा सी यहाँ से आ जाता है तो वो सीधा रह जाता है, जरा सी ऊपर जाता है तो उसको ड्रिफ्ट और टर्न मिल जाता है. टेक्निकल क्वेश्चन, आप भी स्पिनर है और मैं इसलिए आपसे ही पूछ रहा हूँ सवाल कि जब भी स्पिनर्स के खिलाफ कोई रणनीति अपनानी होती है तो स्वीप शॉट बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट किया जाता है, आप कैसे देखते हैं, क्या स्वीप शॉट इंप्लीमेंट किया जाएगा इस सेमीफाइनल मैच में? और 2 मैचेस ऐसे मुझे ध्यान में आते हैं नॉकआउट जो स्वीप शॉट इंप्लीमेंट किया गया और फिर हिंदुस्तान वापस बैकफुट पे चला गया. डेफिनेटली स्वीप शॉट तो स्पिनर को मार देता है अगर स्पिनर इंटेलिजेंट हो. जैसे अगर जडेजा को स्वीप मारना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि वो इज क्विक इन द एयर, पैड पे लगी ठक से आउट हो जाएगा, सीधा खाएगा. कुलदीप यादव ये है कि कुलदीप यादव अच्छी पेस से बॉल कर रहा है और वो अपना गुगली और लेग स्पिन दोनों अच्छा, बहुत अच्छा चाइना मैन यूज कर रहा है. डेफिनेटली न्यूजीलैंडर यही सोचेगी कि यार इनको, लेकिन स्वीप पे रखने के लिए यू नीड टू हैव अ गुड फील्डर. अगर आप थोड़ा सी स्क्वायर को अंदर की तरफ कर दे, शॉर्ट फाइन कर दे, मिड विकेट का थोड़ा सीधा कर दे, तो वहां पर उनका ये शॉट ब्लॉक हो जाएगा. वहां पर ये शॉट ब्लॉक होगा तो फिर वो दूसरे शॉट पर आएंगे. लेकिन क्रिकेट के इतिहास के अंदर अगर आपने स्वीप की बात की ना, मैं तो समझता हूँ कि मैक्सवेल ने जो बैटिंग कर दी उसमें तो स्वीप शॉट फ्रंट फुट बैक फुट सबको खत्म कर दिया उसने. उसने बता दिया जिद्दोजहद ना करो, खड़े खड़े भी आप मार सकते हो, हाथ में पावर हो, हेड एंड आई कोऑर्डिनेशन हो तो आप खड़े खड़े भी मार सकते हो. तो आप देखिए क्रिकेट के डायनामिक्स चेंज हो गए और आजकल तो आप स्वीप की बात करें, आज तो रिवर्स स्वीप भी चल रहा है, पैडल स्वीप भी चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है. चलिए दानिश भाई, क्योंकि अब हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में सेमीफाइनल मुकाबला है, आपका प्रेडिक्शन हमेशा बहुत अच्छा होता है, 2 ऐसे अगर ट्रम्प कार्ड आपको चुनने हो हिंदुस्तान की तरफ से तो कौन होंगे, आपकी तरफ से वो ट्रम्प कार्ड और क्यों होंगे?
पहले तो विराट कोहली, जिस तरह विराट कोहली नो डाउट, और मुझे लग रहा है वो फीलिंग के ये इसी मैच में ही विल गेट अनदर सेंचुरी। एंड फ्रॉम द टॉप, अगर टॉप की बात करूं, रोहित और शुभमन जो है अच्छी पार्टनरशिप देंगे जहां पर आके कैपिटलाइज करेंगे विराट। फिर बॉलिंग के अंदर नो डाउट द शमी इज देयर, और शुरू के अंदर बुमराह आके वो अपना हिलाएंगे जिस तरह रोहित शर्मा हिलाएंगे पहले, फिर उसके बाद विराट कोहली आके थोड़ा और हिलाएंगे, फिर पूरा काम खत्म कर देंगे सूर्य कुमार और अपना जद्दू। चलिए, आपने तो पूरी टीम ही गिरा दी दारिश भाई, और ऐसा लग रहा है आप, अच्छा आप हिंदुस्तान की तारीफ करते हैं, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बुरा लगता है।